हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक। कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, तो अब चंद सेकंडों में कैसे स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। अगर आप आज जो मैं बताऊंगी उन ट्रिक को अप्लाई करोगे, तो गारंटी से आपके एक भी क्वेश्चन जो स्क्वायर से रिलेटेड होंगे, वो एक भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। क्या टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर। कि जो आप वर्ग निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, तो एक सेकंड में कैसे उसको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लिया, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया फॉर एग्जांपल के तौर पे 34 का स्क्वायर। अब तक आपने क्या किया होगा कि 34 का स्क्वायर है, तो 34 को 2 टाइम्स ऐसे मल्टीपल किया होगा। इसमें आपका टाइम भी लगता होगा बोर्ड के एग्जाम के अंदर या कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर ही, और आपका टाइम भी क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाता है, और आपका पेपर क्या हो जाता है, छूट जाता है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक। 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, सेकंड इज 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या है, 09। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लिया 09 आ गया हमारे पास, 4 का गया 16। 0 हमने क्यों लगाई, क्योंकि स्क्वायर के अंदर दो डिजिट डबल डिजिट का काम होता है, इसलिए 9 के आगे क्या लगाया मैं, 0, ताकि उसका पेयर बन सके। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन तीनों क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। जैसे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारे पास, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। क्लियर यहां तक। अब इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, 0916, इसको मैंने एंट्रीज ऐसे लिख लिया। ये जो 24 है, 24 को मैंने यहाँ पे प्लस कर लिया, 415921। ठीक है, आगे देखो, आपने एक सेकंड भी नहीं लगाया इस स्क्वायर रूट की ट्रिक को अप्लाई करते हुए, क्वेश्चन आपका क्या हुआ, चंद सेकंडों में सॉल्व हो गया। ठीक है, कि 34 का स्क्वायर हमने कैसे किया, 3 का स्क्वायर किया 09, 4 का स्क्वायर 16 किया, इसको हमने एंट्रीज कर लिया, 342 का क्या कर लिया हमने मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारे पास 24। 24 के इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस किया, तो 6415921 हो गया सॉल्व आपका। फॉर एग्जांपल हम सेकंड ले लेते हैं इसी तरह, ताकि आपको इसके जितने भी डाउट हो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे 62 ले लिया मैंने, 62 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या क्या आ गया, 36। 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 04। इन दोनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24 आ गया इसको हम एडिटिज ऐसे लिख लेंगे 36 04 24 हम इसमें प्लस कर देंगे 4 4 6 2 8 और 3 3 8 डबल 4 देखो कैसे किया 6 स्क्वायर 36 2 का स्क्वायर 04 इसको एडिटिज ऐसे लिख लिया। इन तीनों क्या किया हमने, मल्टीप्लीकेशन 6 2 एंड 2 की 2 2 जा 4 4 6 जा 24 24 को हमने इसमें प्लस कर दिया, ये आ गया 4 4 6 2 8 और 3। अब अगर आपको वेरिफिकेशन करना भाई मैम के ऊपर, अगर आपने डाउट है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अपने मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 6 2 जा 12 1 कैरी किया 6 6 जा 36 36 में 1 कैरी ऐड किया कितना 37 2 सॉरी यहाँ पे आ गया 4 2 2 4 7 1 8 और 3 3 8 डबल 4। हमारे 3 8 डबल 4 है, देखा आपने, एक सेकंड भी नहीं लगाया कि आपने स्क्वायर का क्या क्वेश्चन क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट है स्क्वायर से रिलेटेड वो सारे क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने एक और ले लिया क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। 86 का स्क्वायर किया हमने, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 8 6 एंड 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो आप इसमें, 6 2 जा 12, 12 8 जा कितने होते हैं 96। ठीक है, अब इनको हम प्लस कर देंगे, 96 6 6 3 9 9 4 30 1 कैरी गया, 6 1 कितना हो गया 7, ये आ गया आपका 86 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर निकाले, 62 का निकाले, 86 का स्क्वायर निकाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहले क्या किया, 8 का स्क्वायर, देन 6 का स्क्वायर, फिर हमने क्या किया, 8 6 एंड 2 की क्या कर दी, मल्टीप्लिकेशन। 6 2 जा 12, 12 8 जा 36, 96 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ऐड कैसे करना, लास्ट की 8 डिजिट को आप स्किप करके चलोगे।
अगर इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जैसे थ्री डिजिट आ जाती है तो थ्री डिजिट यहाँ पे लिख देना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी डिजिट आपके पास बड़ी आ जाती है, उस मल्टीप्लीकेशन के करने के बाद तीन डिजिट आ जाए यहाँ पे, लास्ट के एक डिजिट स्किप करके नेक्स्ट आप लिख देना, उनको फिर प्लस कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आया समझ में? ये तो हो गया हमारे पास क्या, टू डिजिट वाली, मतलब जीरो से लेके 99 तक के हमने क्या करे, स्क्वायर ट्रिक को समझ लिया है। जीरो से 99 तक के ट्रिक जो है वो आपने समझ ली है। अब करेंगे हम 100 से अबव 1000 तक। ठीक है, कि 1000 तक आप उसके 100 ट्रिक को कैसे अप्लाई करोगे। चलो तब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया क्वेश्चन 4 में मान लिया 100 से अबव चलते हैं, अब हम किस पे सीखेंगे, 100 से लेके 1000 तक की शो ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे करोगे आप? फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 113 ले लिया, 130 ले लिया मैंने, इसका क्या निकालना, स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, ये देखो पहले तो फर्स्ट डिजिट को छोड़ के लास्ट की डिजिट को आपको जीरो बनाना है। अब ये देखो इस 13 के नजदीक कौन सा नंबर आएगा ताकि ये जीरो बन जाए। अब 13 के नजदीक अगर मैं इसमें से माइनस 13 कर देती हूँ, भाई 113 है, 113 में से अगर मैंने 13 माइनस कर दिया तो 100 बचेगा ना आपके पास, तो मैंने क्या किया 13 को माइनस कर दिया और 13 क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 113 में से जब 13 को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाई, इसमें इसको प्लस किया तो क्या आ गया 126, 336, 1121 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 13 क्या करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर कितना आ गया 169, इसके डबल जीरो को हटाने के लिए हम अकाउंट में क्या लगा देंगे 100, अगर 10 है तो 10 लगा देंगे, 1000 है 1000 लगा देंगे, 100 आफ्टर क्या बच गया 100, बचा क्या हमारे पास 126 और यहाँ पे क्या है ये 169 है, 169 ये दो डिजिट है, ये तो रखोगे आप पीछे, यहाँ पे रख दिया, ये जो 1 आ रहा है कैरी ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12769, ये क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा 126 का। ठीक है, आगे चीज समझ में आई, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने कैसे किया है कि 113 है। अब ये देखना पहले तो कि इस 13 के नजदीक क्या आएगा ताकि ये जीरो बन सके आपका। ठीक है, और कैलकुलेशन भी इजी हो, भाई इसमें मैं 3 माइनस कर सकती थी ताकि 110 बन जाए, बट उससे क्या कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा लंबी पड़ जाती। आपको क्या बोर्ड में शॉर्ट ट्रिक को अपनाना है ताकि आपको जो टाइमिंग है वो कवर हो सके। ठीक है, अब मैंने क्या किया 113 में से 13 को माइनस किया तो क्या आ गया 100, इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया, सॉरी प्लस किया तो क्या आ गया 126, 100 को कैंसिल करेंगे तो 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या 126, 13 का जो स्क्वायर किया तो क्या आ गया 169, इसके दो डिजिट को छोड़ दो, एक जो डिजिट है उसको इसमें कैरी कर दो, ऐड कर दो, तो 6 की जगह क्या आ गया 7, 69 एडिटिव लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 127.69 आ जाएगा आपका। आगे जी समझ में आई, होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लो, आप कोई बड़ी डिजिट ले लेते हो, जैसे मैं ले लिया 826 का स्क्वायर कर दिया, अब तीन अप्लाई करेंगे, कैसे आप एग्जाम के अंदर शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करोगे। मैंने क्या किया, इस 26 के नजदीक ये देखेंगे कि क्या माइनस करें ताकि ये दो जीरो में कन्वर्ट हो जाए, तो मैंने क्या किया माइनस 26 प्लस 26, क्लियर रहता है। जैसे मैंने 26 में 26 को माइनस किया तो क्या आ गया 800, प्लस किया तो क्या आ गया 6612, 224 1 कैरी 5 800, अकाउंट में इन दो जीरो को नेगलेक्ट करने के लिए अकाउंट में क्या कर दिया 100। ठीक है, 26 और 26 का स्क्वायर, अब इस स्क्वायर निकालने ट्रिक आपको बताई थी दो डिजिट की कि कैसे निकालते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 04, 6 का क्या हो गया 36, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, अब हमारे पास क्या है 0436 के अंदर 24 जैसे ऐड किया तो 676 आ गया, मींस 26 का स्क्वायर क्या आ गया 676 आ गया आपके पास। आगे समझ में कि कैसे किया हमने 26 का स्क्वायर, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। 2 जैसे के 2 0 कैंसिल आउट, 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16,
40 में 1 कैरी किया कितना 41, 4 कैरी किया हमारे पास 8 जा 64 में 4 कैरी किया कितना आ गया 68। देखो 8 जा 60 1 कैरी किया 85 जा 40 में 1 कैरी किया हम ऐड किया 41 4 कैरी किया 88 जा 64 में 4 कैरी ऐड किया तो क्या आ गया 68। यहां पे क्या था हमारे पास 676। सेम एज इन दोनों डिजिट को तो हम एडिटिव रखेंगे, इनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। 6 इसमें क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, जैसे इसमें ऐड किया तो 6 कितना हो गया 12, 1 कैरी इसमें गया 1 और 1 कितना हो गया 2, ये हो गया 8, 76 हमने एडिटिव रख लिया। तो 826 का स्क्वायर का आंसर क्या आ गया 682276। आई जस्ट समझ में आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड 3 डिजिट के हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपके जो भी डाउट है वो इजीली क्या हो जाए सॉल्व हो जाए। ठीक है तो नेक्स्ट डिजिट हमारे क्या, जैसे 264 ले लिया मैंने, 264 का स्क्वायर। ठीक है अब देखो अगर मैं इसमें 64 को माइनस करती हूं तो 64 की फिर कैलकुलेशन और लेंथ ही जाएगी। तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे माइनस का 4 कर ले, यहाँ पे क्या कर ले प्लस का 4, ऐसे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने माइनस किया तो ये हो गया 260 मल्टीप्लाई, इसमें ऐड किया ये हो गया 268 अपॉन ए जो हटाने के लिए क्या कर दिया हमने 10, 4 जो क्या हो गया 60। अब देखो नेक्स्ट क्या करूंगा, जब 26 को हम 268 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास 6968, ये क्या हो गया हमारे पास 16। ठीक है अब क्या करेंगे हम 6 एडिटिव रखेंगे हम और 1 कैरी इसमें ऐड कर देंगे, क्या हो जाए 6968 में 1 कैरी ऐड किया तो क्या आ गया 96, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 264 हमने क्या किया माइनस 4 कर लिया प्लस 4 कर लिया, 26 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 6968 आ गया। ठीक है अगर मल्टीप्लाई कर भी लो आप श्योर नहीं हो तो 68 जा 48 4 कैरी गया 66 जा 36 में 4 कैरी ऐड किया हमने क्या हो गया 44, 62 जा 12 और 4 कितना हो गया 16, 28 जा 16 26 जा 12 1 कैरी ऐड किया 13, 22 जा 4 1 5 8 6 9 5 1 कितना हुआ 6। देखो सही क्या थी मैंने कैलकुलेशन 6968, जब 226 को 268 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 16 आया था, 44 का स्क्वायर 16, 1 कैरी से हमने ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है आई होप आपको जो आज जो ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक वो समझ में आ गई होगी कि हम 0 से लेके 1000 तक का अगर कोई भी स्क्वायर आ जाए तो आप जैसे ट्रिक को अप्लाई करोगे आपके गारंटी से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है।